बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 77707, उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर टू हम करेंगे। और पेपर टू में, जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं जो आप कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर जाएं तो वहां पर आपको मिलेंगी, और जिसमें ये क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर फोर, ये जो पेपर है, ये लेक्चर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे कि हमने इनको कैसे अटेम्प्ट किया, कौन से कंसेप्ट्स एग्ज़ामिनर ने इसमें टेस्ट किए, वो सब डिटेल्स से विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा भी वहाँ पर कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा 2020 समर विंटर के पेपर्स भी वहाँ पर मिलेंगे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ द थिंग्स यू फाइंड देयर जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हैं। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप जाकर उसको देखें, और वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर पाँच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पाँच जो है वो देखें रिलेट करता है किससे, फैंग इज़ अ सोल ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 की ये बैलेंसेस हैं। इन बैलेंसेस के बाद हम अगर देखते हुए आए तो देखें मांग क्या रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसने दी हुई है हमें, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मकसद है कि कुछ एडजस्टमेंट इसने हमें दी हुई है। और उसके बाद क्या कहता है हमसे, कहते प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहा है, और उसके बाद ये आपसे कहता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। तो दो चीज़ें ये मांग रहा है आपसे कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर्मेट दिया हुआ है एग्जामिनर ने। इसमें देखें बेसिक तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पूरा आपको पता है कि अकाउंटिंग का साइकिल जहाँ पर एंड होता है वो फिर आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं आ रहे होते हैं कि ओवरऑल बिजनेस की पोजीशन क्या रही। तो इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि वेयर योर बिजनेस इज़ गोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, कि कितना रेवेन्यू आपने जनरेट करा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके एसेट्स और इक्विटीज़ की पोजीशन आती हैं कि आप ओवरऑल आपके पास क्या एसेट्स हैं और एसेट्स और इक्विटीज़ की पोजीशन क्या है। इस किस्म के सवालात को जब भी आप करने के लिए जाएं तो एक तो आपके कंसेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि हम एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ को लेकर जाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं वो सारे इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, और जितनी एसेट्स और इक्विटीज़ होती हैं, सारी ऑनर्स इक्विटी हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई। एसेट्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं, करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है। तो ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। फर्दर एडजस्टमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ईयर एंड पे जो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता है तो उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट करें कि उसमें से रियली एक्सपेंसेस नेचर की चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में चली जाएँ, और जो एसेट्स हैं सारे और इक्विटीज़ हैं आपकी वो फिर जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। तो जब आप इसको करना शुरू करें तो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप पढ़ते हुए आएँ तो आपको हर चीज़ क्लैरिटी से पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। ये सब स्टार्ट करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है एंड फिक्स्चर है आपका, तो ये आपको पता है एसेट्स हैं, ये एसेट्स आ गए। एसेट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, ये आ गए। ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद क्या है कि अब तक इन एसेट्स, ये एसेट्स जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग को अगर मैं देखूँ तो इसका जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है, अगर 1,70,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग है तो 18,600 जो डॉलर है ये उसकी यूटिलाइजेशन अभी तक हो चुकी है कि इतना हिस्सा हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, और बाकी जो है इसकी बुक वैल्यू। जब भी किसी एसेट में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो जो चीज़ आती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं, ये आपके इल्म में होगा। तो बुक वैल्यू हो गई, ये अब ये कॉन्ट्रा एसेट हैं तो ये फिर बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएंगे, तो ये भी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और इसका इस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालेंगे वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और जमा किया हुआ जितनी चीज़ें होती हैं डेप्रिसिएशन वो फिर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में चला जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट का मकसद है कि एसेट्स आपने बेचे, जो कुछ आपने बेचा उससे जो
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर जब भी इसका क्रेडिट बैलेंस हो डिस्पोजल अकाउंट का तो आप समझ लें कि इनकम है आपकी, और अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो आप समझ लें कि ये लॉस हुआ है। तो ये क्रेडिट बैलेंस देखें दे रहा है, इसका मकसद है इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये जाएगा। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू आपको पता है कि रेवेन्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट के पार्ट बनते हैं। इनकम स्टेटमेंट परचेजेज आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। रिटर्न्स इनवर्ड्स का मकसद क्या है कि वो माल जो आपने बेचा था वो वापस आ गया, तो ये भी सेल्स रिटर्न है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। कैरिज ऑफ गुड्स के जो माल था उसको जब आपने ख़रीदा तो उसको अपने आउटलेट अपनी फैक्ट्री वहाँ तक लाने की, सोल ट्रेडर है वहाँ तक लाने में जो कुछ लगा वो कैरिज ऑफ गुड्स हो जाएगा, ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। वेजेस एंड सैलरीज जो हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। मोटर व्हीकल एक्सपेंस अगेन इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सपेंस की बात हो रही है। इंश्योरेंस जो है इसका कुछ अगर प्रीपेड हमें वो बताएगा तो वो फिर बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में चला जाएगा, अदरवाइज ये भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल का मकसद क्या है कि इतना रिसीवेबल था और इसमें जो कुछ एडजस्टमेंट के अंदर देगा तो ये अपेरेंटली ये रेंट रिसीवेबल जो है इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन जो इनकम हो जाएगी एडजस्टमेंट के अंदर तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसका पार्ट, कुछ पार्ट आ सकता है कि हमें पता चले कि कितनी इनकम हमने कमा ली। तो जो कमा चुके होंगे वो इनकम स्टेटमेंट, और जो हमें रिसीव करना होगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैंक लोन की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपकी लाइबिलिटी हो गई। बैंक इंटरेस्ट पेड इनकम स्टेटमेंट आ गया। कैपिटल जो है आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ड्राइंग्स जो हैं इक्विटी को कम करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बन जाएंगी, वहाँ चली जाएंगी। इन्वेंट्री आपको पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी जाएगी, क्योंकि ईयर एंड की जो इन्वेंट्री है तो ये क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री है इसलिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आपको पता है कि जो इस्तेमाल हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। मार्केटिंग एक्सपेंसेस अपेरेंटली इनकम स्टेटमेंट में चले गए। जनरल एक्सपेंस है ही एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट। बैंक आपको पता है एसेट है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ट्रेड पेबल आपकी लाइबिलिटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट्स है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगेन चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कॉन्ट्रा एसेट्स है कि वो पैसा जो एक्सपेक्टेड है हमें अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा तो वो फिर कॉन्ट्रा एसेट्स, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इस साल का जो बैड डेट्स एक्सपेंस होगा, जो इस साल हमें हम जो प्रोविज़न क्रिएट करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगा। तो ये अपेरेंटली जब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि अब आपकी समझ में ये आ गया कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ जानी है और बैलेंस शीट में कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी चीज़ जानी है। तो अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए आते हैं और इसको देखते हैं क्या है। ऑन 15 अगस्त 2019 गुड्स हैड बीन परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 1950। द ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ट्रांजेक्शन। तो 15 अगस्त 2019 को अगर आपने गुड्स हैड बीन परचेज ऑन क्रेडिट तो आप क्या करेंगे कि फिर परचेजेस को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करेंगे। तो जो परचेजेस अकाउंट है आपका उसमें ये प्लस हो जाएगी जाके। तो हम एक काम ये करते हैं कि इस फॉर्मेट में जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में आप डालना शुरू करें इसको, और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ज़िंदगी आसान भी होगी और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से करते हैं। तो हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखें ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू देख रहे हैं, ये दिया हुआ था 3,26,000। कहाँ पर है ये? ये रेवेन्यू 3,26,000 ये आपने लिख दिया। उसके बाद रेवेन्यू आपका आ गया है 3,26,000।
उसके बाद आप इसमें से आपको पता है आप क्या करते हैं, ये रेवेन्यू देखें ये आ गया। अब आप आ जाएँ रेवेन्यू में से, आपको पता है आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स करते हैं कि जो माल आपने बेचा ये एक्चुअली माल था कितने का। तो आप क्या करें रेवेन्यू के अंदर, अलबत्ता एक चीज़ कर लें जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैरिज इन अपना जो रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न इनवर्ड्स कहाँ हैं देखें ये आ गया। आपको पता है सेल्स, सेल्स में से क्या करते हैं सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, तो सेल्स रिटर्न कितना है 4300। अब ये जो 4300 है ये आप माइनस करते हैं इसमें से, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास नेट सेल्स आ गई। नेट सेल्स आने के बाद आप क्या करें, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आपने हेडिंग करी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री देखें सवाल के अंदर उसने दी हुई है आपको, ये 30,000 की देख रहे हैं आप, ये 30,000 की इन्वेंट्री दी हुई है। तो आप क्या करें, आप 30,000 की इन्वेंट्री ये आपने यहाँ पर लिख दी। ये सिंपल हम देखिए, इसके अंदर अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, फॉर्मेट आपको पता है, तो फिगर डालते जाएं, एडजस्टमेंट हम पढ़ते चले जाएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ के हमारी समझ आ जाएगा। तो हम आते हैं इसके अंदर, उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेजेस, परचेजेस क्या है हमारी, देखिए 135,000 से परचेजेस दी हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करें, और परचेजेस में अभी हम एडजस्टमेंट वन पढ़कर आए हैं कि 1,950 रुपये का माल ख़रीदा था लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हमने अभी तक नहीं करी। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी तो हम क्या करेंगे कि देखें 1,35,000 रुपये की परचेजेस है और 1,950 ये वो हैं जो माल ख़रीदा लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करी, ये मिला के हो गया 1,36,950। तो ये 1,36,950 एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था, ये 1,36,950 हम यहाँ पर लिख दें परचेजेस। उसके बाद कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स का मकसद क्या है, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हुए हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। यहाँ आता है कहता है नंबर दो में कहता है कैरिज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड 2,700 फॉर कैरिज ऑन परचेजेस, कैरिज ऑफ गुड्स कहता है जो आपने माल खरीदा इंक्लूड 2,700 फॉर कैरिज ऑन परचेजेस, के वो जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये देखें कैरिज ऑफ गुड्स 9,000, ये जो 9,000 है कैरिज ऑफ गुड्स कहता है कि इसके अंदर से 2,700 वो परचेजेस से रिलेटेड है। तो अगर मैं 9,000 में से माइनस कर दूं 2,700 तो 6,300 का मकसद है और कोई मटेरियल था आपने बिजनेस में, कोई चीज़ आपने ख़रीदी होगी, गुड्स मटेरियल, गुड्स के अलावा जो माल आप बेचते हैं उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आपने मंगाई, हो सकता है आपने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए आपने कुछ चीज़ें मंगाई हो, तो उसका किराया जो है इस 9,000 में से माइनस आप कर दें ये जो 2,700 ये बता रहा है, तो बाकी कितना बचा 6,300। ये भी एक्सपेंस है लेकिन ये फिर नीचे हम ले जाएंगे। तो अभी ये 2,700 जो आपने देखा कि 2,700 जो है वो कैरिज इनवर्ट्स है, तो देखें 2,700 कैरिज इनवर्ट्स ये आ गया, इन तीनों को जमा किया ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया 169,650 और इसमें से लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री देखें आगे पढ़ते हैं, खुद बता रहा है इन्वेंट्री वाज वैल्यूड $35,550, तो 35,550 रुपए की ये इन्वेंट्री हो गई, इसको आपने लेस किया तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आपकी ये टोटल यहाँ आई, ये सेल्स में से इसको आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 187,600 का आ गया। तो देखिए इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इनकम स्टेटमेंट आपको पता है बनाना आता है कि सेल्स हो गया, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ट्स जो है माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको निकालनी आती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस, सिर्फ एक एडजस्टमेंट इसके अंदर थी कि वो जो 1,950 का माल ख़रीदा था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो परचेजेस के अंदर आप जमा कर लें खामोशी के साथ, और जो ट्रेड पेएबल जब हम बनाएंगे लाइबिलिटी होगी तो वहाँ भी ये जमा हो जाएगा।
उसके बाद कैरिज इनवर्ट्स की एडजस्टमेंट उसने आपको बता दी कि परचेजेस से रिलेटेड इस परचेजेस को अपने स्टोर तक अपनी जगह तक लाने में किराया 2700 लगा, वो आपने प्लस कर दिया। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट तक आपने निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ जाए अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर क्या है देखते हैं। कहता है रेंट रिसीवेबल 1500 वाज ड्यू, कि रेंट रिसीवेबल जो 1500 का था वो ड्यू था। ड्यू का मकसद आप समझ रहे हैं, अब देखें ये समझने की बात है कि रेंट रिसीवेबल कितना था जो इसने सवाल में दिया। ये दिया हमें 14500, 14500 डॉलर का रेंट रिसीवेबल था। एडजस्टमेंट के अंदर बताता है कि अब जो ड्यू है वो 1500 है, तो 14500 और प्लस 1500, क्योंकि ये ड्यू है तो इसका मकसद ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं 16000। तो ये 16000 हमारी इनकम हो गई। क्यों हो गई 16000 इनकम, समझ आया आपके? ये देखें ये इनकम है, रेंट रिसीवेबल दोनों को जमा करके ये इनकम। अब आप पूछें क्यों इनकम है, तो देखें कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि एग्जामिनर ने, उसने आपको शुरू में बताया है कि रेंट इतना रिसीवेबल था, आपने कहा ठीक है जी 14500 रिसीवेबल था, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर बता रहा है कि अब जो ड्यू है वो 1500 है। तो इसका मकसद समझ रहे हैं क्या हुआ, कि जितना रिसीवेबल था वो तो इनकम हो ही गई आपकी, ईयर एंड के ऊपर जो रिसीवेबल है वो 1500 है, तो एक जो दिया हुआ था वो तो मिल ही गया, मजीद ये 1500 ईयर एंड के ऊपर बाकी बचा, तो ये भी एक्चुअली आपकी इनकम हो गई है, लेकिन अभी टेनेंट ने ये पैसे आपको नहीं दिए। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है वो पूरे का पूरा इनकम हो गई आपकी, मिल गया आपको, अब सिर्फ 1500 रुपये इस साल का है। तो फिर इसको जमा कर लें आप दोनों को उठा के और दोनों को प्लस करें ताकि आपको टोटल इनकम पता चले कि कितनी है जो आपने यहाँ पर लिख दी 1600 की। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल मैंने देखें बताया था आपको जब मैं एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा था कि अगर डिस्पोजल, डिस्पोजल का मकसद ये आपका बिजनेस नहीं है, कोई चीज़ आपने बेची होगी और बेचने पे देखें प्रॉफिट हुआ, ये देख रहे हैं क्रेडिट जो है 8500, ये डिस्पोजल के अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्रेडिट है, ये अदर इनकम है आपकी कि आपको फ़ायदा हुआ है ये 8500 का, तो इसको भी लिख दें उठा के, इन दोनों को प्लस करें। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें अदर इनकम ये दोनों जमा हो गई, तो टोटल अभी तक आपके पास ये आ गया। अब कैरिज आउटवर्ड्स की बात करते हैं। देखिए हमने लिखा था कि 9000 कैरिज आउटवर्ड्स थी, जिसमें से हमने 1950 यहाँ ले आए थे, बल्कि नहीं 2700 आप यहाँ 9000 में से लाए थे, बाकी मैंने आपको करके बताया था कैरिज आउटवर्ड। ये देखें 6500 जो मैंने बताया था कैरिज ऑफ गुड्स का, तो ये 6300 जो है आप यहाँ लिख दें ला के। ये देखें ये आपने कैरिज आउटवर्ड्स यहाँ लिख दिया, ये आपकी समझ में आना चाहिए। वाटर एंड, उसके बाद वेजेज एंड सैलरीज आ जाएँ। वेजेज एंड सैलरीज उसने आपको दी हुई है 90000 की, ये नज़र आ रही होंगी आपको, इस 90000 को ला के सिंपल यहाँ पर लिख दें, ये वेजेस एंड सैलरीज का अकाउंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंस देखें उसने आपको दिए हैं, कितने दिए हैं वो देख लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो है ये 11250, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपने एज इट इज़ ला के 11250 यहाँ पर लिख दिए। फिर इंश्योरेंस की बात करते हैं, अब एडजस्टमेंट के अंदर भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, रेंट रिसीवेबल आपने पढ़ लिया, द इंश्योरेंस इंक्लूडेड एन एनुअल पेमेंट ऑफ $800 मेड ऑन 1 जनवरी 2019। तो एनुअल पेमेंट करिए, एनुअल पेमेंट का मकसद है 12 महीने की, तो मैं इस 800 को अगर तकसीम करूँ 12 से तो एक महीने का आ जाएगा मेरे पास 800 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बनते हैं 66.66 डॉलर बनते हैं। अब हम बना कब रहे हैं स्टेटमेंट, ये मांग कब का रहा है हमारा, ये देखते हैं हम उठा के। कहता है 30 सितंबर का बना है, तो जनवरी 2019 में हमने पे करा, सितंबर तक बनते हैं 9 महीने। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर कितना बन जाएगा ये, तो ये तो 600 बनता है। इसका मकसद है 800 में से 600 इंश्योरेंस जो है वो तो मेरा एक्सपेंस बन गया, लेकिन 200, क्योंकि 800 में से 600 गए, तो 200 जो है
वो बेसिकली क्या है, ये 200 वो है जो मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बेनिफिट पहुंचाएगा, तो ये मेरा एसेट है। जब ये मेरा एसेट है 200, तो जितना भी इंश्योरेंस दिया हुआ है आपको, उस इंश्योरेंस में से $200 जो है आप माइनस कर दें। ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस कितना था देखें, आप यहाँ देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस क्या था, क्योंकि उसमें ये 800 शामिल है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंश्योरेंस का अमाउंट था वो हम देख लेते हैं कहाँ है। ये देखें इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2700। तो ये जो 2700 है, इसमें से 200 जो है हमारा एसेट है, तो 200 मैंने माइनस कर दिया और 2500 रुपये मेरा एक्सपेंस बन गया। उसके बाद आते हैं बैंक इंटरेस्ट पेड। जो बैंक इंटरेस्ट पेड आपको लग रहा है कि जो हमने जो लाइबिलिटी हमारी थी 6% बैंक लोन जो था, उसका ये बैंक इंटरेस्ट पेड है 2400 का, तो ये भी एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को बैंक इंटरेस्ट पेड का नाम करके लिए हैं, 2400 देखें ये आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हमें उसमें ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और इसकी एक एडजस्टमेंट भी वो नीचे आपको दे रहा है। $750 वॉज ओइंग टू फॉर वाटर, के $750 जो हैं वाटर के हमें पे करने हैं। तो ये लाइबिलिटी है, ऊपर जो दिया हुआ है उसमें मजीद 750 ये हैं, तो दोनों को प्लस कर दें, 6050 आपको दिए हुए थे, 750 और प्लस कर दें, 6050 आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ देख लें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 6050। तो 6050 में ये आपने ये प्लस कर दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हिस्सा आ गया। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, ये दो आपको एज इट इज़ उसने दिए हुए हैं, वो यहाँ से देखें, ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंस 17,300, 14,000 ये आपने एज इट इज़ उठा दिया है, इसमें कोई एडजस्टमेंट आपकी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, वो क्या कहता है आपसे, आगे वो कहता है कि अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 16,000 वाज परचेज ऑन 19 सितंबर 2019, पेमेंट वॉज मेड बाई चेक, पेमेंट चेक के जरिए करी, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स, लेकिन किताबों में इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई थी। तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कर देंगे, और बैंक क्रेडिट होने का मकसद आप समझ रहे हैं क्या है, बैंक क्रेडिट होने का मकसद ये है कि बैंक जो आप डेबिट बैलेंस आपका दिया हुआ है, ये बैंक का डेबिट बैलेंस है 27,450, ये नज़र आ रहा होगा आपको 27,450, इसमें से 16,000 आप माइनस कर दीजिएगा। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे हम, तो 27,450 में से 16,000 माइनस कर दें, क्योंकि पेमेंट हो गई, तो $11,450 जो है ये एक्चुअली बैंक का बैलेंस है। जैसे आपको बताया था मैंने कि ट्रेड पेबल ये परचेजेस जो हैं ये 1,950 की, तो ये ट्रेड पेबल जो आपको नज़र आ रहा है 36,550, इस 36,550 में ये 1,950 प्लस हो जाएगा जाके, क्यों, क्योंकि 36,550 आपका ट्रेड पेबल था और 1,950 की मज़ीद आपने ख़रीदारी करी जो रिकॉर्ड नहीं हुई है। जब इसको प्लस करेंगे तो 38,500, ये ट्रेड पेबल जब स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाएंगे तो उस वक़्त वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी आते हैं आगे, अगला देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर एज फॉलोज। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का बता रहा है कि जितना भी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं साल के एंड में, ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के एंड में जितने भी एसेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकलेगा। देखिए जब ये वाला जुमला लिख कर देना वो आपको, तो याद रखें फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालिएगा आप, ये याद रख लें कि अगर ये स्टेटमेंट वो दे रहा है कि जितनी ऑन है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर महीनों के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। और अगर वो ये जुमला लिख कर दे कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी ये है कि जितने अरसे हमारी ऑनरशिप रही इतने अरसे का डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो फिर मंथ का डेप्रिसिएशन याद से निकालिएगा। अब इस वाले सवाल के अंदर क्या कहता है, ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको मार्क करें अपने पास, इसका मकसद है पूरे साल का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, कहता है लैंड कॉस्टिंग 60,000 इज नॉट डेप्रिसिएटेड। लैंड आपको पता है कि डेप्रिशिएट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली लैंड की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती है, तो लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करेंगे। द बिल्डिंग आर डेप्रिशिएटेड एट 2% पर एनम एट कॉस्ट। बिल्डिंग को अलबत्ता
2% जो है कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। तो आते हैं इधर, हम यहाँ देख लेते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,70,000 की थी, तो 1,70,000 में से कहता है 60,000 रुपये आपकी लैंड है, तो कितना हुआ गया 1,10,000। इसका कहता है 2% निकाल लें, तो इसका कितना बना 2%, 1,10,000 की कॉस्ट है और इसका 2% जब आपने निकाला तो वो 2,200 बनता है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये हमें चाहिए होगा, तो देखें लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,200 आपके पास आ गया। ये आपने इस तरीके से निकाल लिया। आगे आए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, 25% का रेट है यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता है कि बुक वैल्यू के ऊपर लगता है। बुक वैल्यू कब आती है, जब आप कॉस्ट में से उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू पे ये 25% आप लगाएं, लेकिन मोटर व्हीकल आपने 16,000 की और खरीदी है और वो कहता है कि जो भी साल के एंड में है, तो इसका मकसद है 16,000 पे भी पूरा लगेगा। 16,000 ये और क्या है कितना मोटर व्हीकल, 30,000, 30 के अंदर 16 ये प्लस कर दें तो ये कितना आ गया, 46,000। तो मोटर व्हीकल आपकी 46,000 की और अब तक कितना डेप्रिशिएट हो चुकी है, या 10,000, तो 46,000 में से आप माइनस कर दें 10,000, तो ये आपके पास बचेगा 36,000। 36,000 के ऊपर कितनी परसेंटेज लगा लें, 25%, तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये 9,000 बनता है। और ये देखें, ये 9,000 आ गया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस 9,000, परसेंटेज निकाल के आपने निकाला तो ये 9,000 आ गया। तो आपके समझ आया कैसे करेंगे, देखिए मोटर व्हीकल 30,000 की आपके पास थी पड़ी हुई, 16,000 की मजीद खरीदी, तो 30 और 16 कितने हो गए, 46,000। 46,000 में से, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो अब तक का निकला हुआ 10,000 है, सवाल में दे रहा है वो आपको, ये देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 46 में से जब 10,000 माइनस करें तो 36,000 आया, 36,000 का उसने रेट 25% बताया, 25% जब आपने लगाया तो ये 9,000 आया, और यही 9,000 जो है वो आपका, देखें ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब आगे आ जाएं, कहता है फिक्सचर एंड फिटिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 10% अप्लाई होगी यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई करके। तो कॉस्ट का मकसद है कि लाइफ वगैरह तो दी नहीं है हमें, इस सवाल में कॉस्ट हमें दी है, अगर लाइफ देता तो फिर हम लाइफ से डिवाइड करते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सालवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर ये लाइफ आपको नहीं दी हुई है और कॉस्ट आपको दी हुई है तो स्ट्रेट कॉस्ट पे लगा दें। ये फिक्सचर जो है 7,000 की है, 7,000 का कितने परसेंट लगाना है आपको, 10% बता रहा है वो आपको, देखें ये 10%, तो 7,000 इसका 10% लगाएं तो सीधा सीधा 700 बन जाता है, तो ये 700 आपका यहाँ आ गया। आपने क्या करा, ये 700 आपने यहाँ लिख दिया, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, और डेप्रिसिएशन आपने जमा करके इन सब को जमा किया आपने 169,950, और जब इसमें से आपने इसको माइनस किया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास, क्योंकि आपका जो अदर इनकम मिला के जो प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट वो ज़्यादा था, प्लस अदर इनकम मिला के और उसके बाद बाकी अपने एक्सपेंसेस माइनस करे, तो ये एडजस्टमेंट थी। और आपने देखा कि इनकम स्टेटमेंट हमने कैसे बनाई, इसमें सिंपल कंसेप्ट ये है, तो आपको इसकी तरतीब पता होनी चाहिए, दूसरे एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये अगर आपकी समझ में आता है तो आप इत्मीनान के साथ इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ।
और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिख देंगे। ये देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, नॉन करंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है। लैंड एंड बिल्डिंग में देखें आप, हम पीछे पढ़ कर आ रहे हैं, 1,70,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी। 36,000 जो है, 30,000 मोटर व्हीकल थी, 16,000 की हमने खरीदी थी, तो 46,000 की आ गई। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो हैं वो कितनी थी, फिक्सचर एंड फिटिंग 7,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकला है, जो सवाल के अंदर दिया हुआ था आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें इस साल का जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है वो प्लस कर दें। कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, सवाल में 18,600 इसका दिया हुआ है, इसमें प्लस 2,200 आपने डेप्रिसिएशन अभी पीछे निकाला, अब ये प्लस कर दें, ये 10,000 में 9,000 प्लस कर दें, तो 18,600 में जब आपने प्लस किया 2,200 को, तो 20,800, देखिए 20,800 ये आ गया, आगे आए। ये 10,000 में 9,000 को प्लस किया आपने, तो ये कितना आ गया, ये 19,000 आ गया। अब फिक्सचर एंड फिटिंग्स में आ जाएं, वो 1,400 ये हैं, और 700 रुपये आपने इस साल का पीछे निकाला, तो 2,100 रुपये ये आ गया। अब ये $2,100, इसमें से कॉस्ट में से इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ये बुक वैल्यू आ गई, ये नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू आपके पास 81,100 आ गई। ये लाइफ इज सिंपल, ये आपने नॉन करंट एसेट्स इस तरीके से कर लिया। आगे आ जाएं, करंट एसेट्स की बात करें, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री आएगी, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री किधर है, एंडिंग इन्वेंट्री उसने एडजस्टमेंट में दी है आपको, देखें वो माल जो बिकने से रह गया 35,550, तो ये 35,550 आपके पास ये आ गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, बल्कि एक एडजस्टमेंट इसकी रहती है जो मेरा ख्याल है हम भी इनकम स्टेटमेंट में करना हम भूल गए, वो कौन सी है, वो बैड डेट्स की एंट्री है, वो हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है डेप्रिसिएशन से पहले एक एंट्री और थी बैड डेट्स की, ये इनकम स्टेटमेंट में हम करते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ आते हैं, एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई थी वो भी कंप्लीट करें। वो ये एडजस्टमेंट थी ये वाली, ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7,000 आर इररिकवरेबल, कि ट्रेड रिसीवेबल $7,000 का इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल का मकसद ये है कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा कस्टमर से। तो जब ऐसी कोई एंट्री पास होती है तो हम क्या एंट्री पास, ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम ये करते हैं एक इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करके ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो 7,000 से डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। और देखिए फिर मैं अभी क्राचियाज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो ये इररिकवरेबल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये मैंने पूरे 2 लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, आप जाकर देखिएगा आपकी समझ में आएंगे वो लेक्चर, और ये ज़िंदगी आपकी बहुत आसान होगी। तो 7,000 रुपीज़ से ये हो गया। तो ये तो देखें डायरेक्ट ठीक है, हिट है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि इररिकवरेबल डेट्स कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, इसलिए इनकम स्टेटमेंट को भी डेबिट कर देते हैं डायरेक्ट। तो आप देखें इनकम स्टेटमेंट जब आप बना रहे थे तो इसीलिए देखें इररिकवरेबल बैड डेट्स में इसने 7,000, ये बैड डेट्स आप देख रहे हैं, ये 7,000 डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अब ये 7,000 तो आ गया, इसके नीचे वो आपसे कुछ और कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन द रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कि बाकी का जो ट्रेड रिसीवेबल बचा है उसका 5% जो है ना एक्सपेक्टेड है कि हमें अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा, ये मेंटेन रख रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल है कितना, देखिए ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास 35,000, ये देख रहे हैं आप। अब ये 35,000 ये है, इसमें से 7,000 कम हो गया, जो अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया है ना 7,000 से, ये तो ये जब हमने क्रेडिट कर दिया तो कम हो गया, इसका मकसद ये पैसा तो अब मिलेगा ही नहीं ना, खत्म ही हो गया इसका किस्सा। तो 35,000 में 7,000 तो खत्म हो गए, ये बचा 28,000, इसका कहता है 5%, इसका 5% निकालने कितना होगा, 5% बनता है इसका 1,400, ये 1,400 जो बनता है। अब जाके देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर के वहां प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, देखिए 900 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो 900 तो आपके पास पहले ही पड़ा हुआ है और आपको चाहिए कितना है,
आपने परसेंटेज से निकाला तो 1400, 900 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इस साल कितना चाहिए आपको? 500। ये जो 500 है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर और आ जाएगा। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये आ गया, तो ये हम भूल गए थे। इसके ट्रीटमेंट इस तरीके से होती है और बाकी तो टोटल आप देख ही चुके हैं किस तरीके से आएगा। ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में याद रखिएगा कि जब भी वो ये कहे कि बैड डेट्स इररिकवरेबल है, ये पैसा नहीं आएगा, ख़त्म कर दें, तो वो तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रिएट करके डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस लिख दीजिएगा, जैसे इसने 7000 लिखा है। उसके बाद जो है ना ट्रेड रिसीवेबल में से उसको माइनस कर दें और जो परसेंटेज कह रहा है उसको देख लें कितनी है, और फिर जाकर देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑलरेडी आपके पास है, उनका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आएगा। ये एक एडजस्टमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। और जाके अगर आप मेरा लेक्चर देख लें तो यकीन माने आपको ये वाली चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएंगी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर क्लियर है तो आई थिंक दैट्स गुड। अब आते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल। देखें आपने देखा कि यहाँ पे हमने 35000 में से 7000 को माइनस करके लिखा और यहाँ पर ऑलरेडी ये 1400 पूरे का पूरा आएगा। क्यों 1400 पूरे का पूरा आएगा? कि 900 पड़ा हुआ था, 500 रुपये की आप एंट्री पास करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, तो ये वही 1400 रुपये हो गया। ये परसेंटेज आपने ट्रेड रिसीवेबल के करके निकाला था, वो ट्रीटमेंट इसलिए की थी कि ऑलरेडी आपके पास लेजर में वो पैसे पड़े हुए थे। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जब भी आप आए तो परसेंटेज निकालकर जो रकम आई है वो आप यहाँ लिखेंगे। आप ये नहीं कीजिएगा 500 और 900, बल्कि जो परसेंटेज निकालकर रकम आई है वो यहाँ लिखें। और अगर आप लेजर बनाएंगे तो भी ये 1400 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपने माइनस कर दिए, इसमें से ये आ गए। अदर रिसीवेबल क्या है आपका? अदर रिसीवेबल देखें, एक तो इंश्योरेंस है आपका 200, आप चाहें तो इसको अपने नाम से लिख दें, इंश्योरेंस का नाम आप दे सकते हैं 200। और ये 1500 जो है वो क्या है आपके पास? ये 1500 रेंट रिसीवेबल था, वो जो आपको जो किराया वसूल करना है। दो देखें, दो किस्म के रिसीवेबल हैं, एक तो रेंट जो आपको टेनेंट से वसूल करना है और एक इंश्योरेंस जो आपने ऑलरेडी एडवांस के अंदर दिया हुआ है 200। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको रेंट इसने तो इस तरीके से कहा, आप रेंट रिसीवेबल करके लिख दें 1500, इसको अलग लिख दें और इंश्योरेंस को अलग करके लिख दें, तो ये वही 1700 बनेगा जो ये यहाँ लेकर आ रहा है। इसको दो हिस्सों के अंदर ब्रेक कर सकते हैं आप, कोई अरज नहीं है। अदर रिसीवेबल अगर ना लिखना चाहें तो एग्जामिनर कुछ नहीं है, आप इंश्योरेंस के प्रीपेड इंश्योरेंस करके लिख दें इसको, और इसको रेंट रिसीवेबल करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बैंक क्या है? बैंक आपको पता है, मैंने आपको यहाँ करके बताया था कि बैंक में से 16000 की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो मैंने कहा था आपसे कि बैंक माइनस कर दीजिएगा। वो देखें, ये बैंक जो आ रहा था मैंने आपको करके दिखाया था कि ये इसमें से 16000 माइनस कर दें तो 11450 आएगा। तो देखें वो 11450 ये आ गया, क्योंकि एक आपने जब ये एसेट खरीदा था मोटर व्हीकल तो आपने चेक के थ्रू पेमेंट की थी, जब चेक के थ्रू पेमेंट की थी तो वो माइनस हो जाएगा, उसको लिख दें उठा के। उसके बाद लाइबिलिटीज में आ जाए, कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैपिटल देखें कितना है, कैपिटल 1,60,000 है और ड्राइंग 25,000 है। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये दो चीजें, तो कैपिटल जो है वो 1,60,000 है और ड्राइंग जो है वो देखें ये 25,000 है। कैपिटल के अंदर आपको पता है प्रॉफिट जमा हो जाता है, तो अब ये ऊपर निकाल के हम इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट आ रहे हैं, वो जो इनकम स्टेटमेंट से हमने निकाला है 42,150, इस 42,150 को कैपिटल के अंदर प्लस कर दें और कैपिटल में से प्लस करके ड्राइंग उसमें से माइनस कर दें, ये फॉर्मेट हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपको पता है कि 6% बैंक लोन, जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ नज़र आएगा आपको, ये 6% बैंक लोन 40,000 का, तो ये 40,000 का आपके पास यहाँ आ गया, ये आपने लिख लिया। आप ट्रेड पेबल कितना है, मैंने आपको बताया था 36,550 दिए हुए, 1,950 कौन से, जो एंट्री नंबर वन जो हम कर आए थे, एंट्री नंबर वन क्या थी, ट्रेड पेबल देखें 36,550, और मैंने इसमें आपको यहाँ करके बताया था कि ये 1,500 ये वाले 1,950 प्लस हो जाएंगे तो 38,500 ये आ जाएगा आपके पास।
ये 38,500 अदर पेबल कौन है? वो जो इलेक्ट्रिसिटी की हम नहीं पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हमने कहा था कि ओ है, ये देखें $750 वॉज ओइंग फॉर वाटर, कि पानी के जो पैसे आपको देने हैं ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो ये 750 ये आ गए, ये आपने यहाँ प्लस कर दिया, तो ये आपके पास जब आपने टोटल किया तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स ये आपके दोनों इक्वल आ गए, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो टाई बैक हो गई, और टोटल एसेट्स बराबर टोटल इक्विटीज़ के, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनाई, इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरीके से ख़त्म हुआ। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बहुत आसान है, लेकिन आसान जब है जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। बहुत सारी चीज़ें इसमें एग्जामिनर आपको देता है, अगर वो सब बिट एंड पीसीज के अंदर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, एसेट्स कहाँ आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपके तो ये सवाल बहुत आसान है। एंड होपफुली इंशाल्लाह हम और भी क्वेश्चन करेंगे, आई विल बी लेटिंग यू नो थॉरली कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा, होप आपकी समझ में आया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह हम अब विंटर तो हमारा कंप्लीट हो गया, पेपर 2 अब हम समर का जो है पेपर करेंगे 2019 का, ये हमारा कंप्लीट हुआ आज, इंशाल्लाह हम फिर समर शुरू करेंगे इसको, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।